करने मात्र से ही प्रसन्न होते हैं। भगवान इतने कृपालु हैं कि प्रणाम किया तो प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए बार बार नमस्कार करना चाहिए। इसलिए गीता में भी एक श्लोक का भगवान ने, मन मनावन मत भक्ता मध्यादि माम नमस्कुरु, क्या कहा भगवान, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो। भगवान बार बार कह रहे हैं अनेक माध्यम से, नमस्कार करने मात्र से भगवान प्रसन्न होते हैं। आप किसी के दरवाजे पे जाइए और वहाँ पे कोई सेठ रहता है और आप उसको सिर्फ नमस्कार करिए, नमस्कार सेठ जी, नमस्कार सेठ जी, नमस्कार सेठ जी, 10-20 बार बोलिए, वो थक जाएगा 10-20 बार के बाद और बोलेगा भाई क्या बात है, क्यों नमस्कार 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 करता है, क्या चाहिए। अगर सेठ मान लीजिए बड़ा कंजूस है, क्या है सेठ, कोई कोई सेठ बड़े कृपण होते हैं, तो सेठानी निकलेगी कि भाई ये नमस्कार नमस्कार, पूछो तो क्या चाहिए इसको। तो सेठानी आपको कुछ ना कुछ जरूर दिलवाएगी सेठ जी से, नहीं तो सेठ जी दे देंगे। जब इस संसार में ये व्यवहार है, ये चलन है, इस तरीके से सभी जगह देखा जाता है, तो भगवान का स्वभाव तो हजार हजार लाख गुना ऊंचा है। वो जब देते हैं तो अपने स्तर से देते हैं, अपने स्थान पे जो बैठे हैं वहां से देते हैं, और फिर लेने वाला थक जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान को नमस्कार करते हैं। कौन से जीव, जो भागवत है, जो विद्वान है, जो वैष्णव है, जो भक्त है, वे लोग, बाकी लोग नहीं करते। बाकी लोग तो स्वार्थ से सबको करते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा है कि नमस्कार भगवान को बार बार करना चाहिए। इसीलिए भक्त लोग कहते हैं आपके चरणों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम। क्या कहते, वैष्णव जन जब कुछ फोन में बोलेंगे या लिखेंगे पत्र या चिट्ठी तो लिखते हैं, आप सभी के चरणों में करोड़ों कोटि कोटि करोड़ों करोड़ दंडवत प्रणाम, मतलब इतनी बार प्रणाम करता हूँ, उस प्रणाम का इतना महिमा है। क्योंकि वैष्णव कैसे होते, वंचा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु वैच पतिता नाम पावने भ्यो वैष्णव भ्यो नमो नमः। वो वांछा कल्पतरु है, सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले। कल्पतरु वृक्ष के समान है, वो कल्पना किया नहीं तो आपको देने जैसे। तो इस प्रकार से भगवान को बारंबार नमस्कार करना चाहिए। कई लोग आते हैं बिना प्रणाम किए आराम से बैठ गए पंखे के नीचे, क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं, या इधर उधर देखा, भगवान को प्रणाम किया नहीं, बैठ जाते हैं। तो आज से भगवान को प्रणाम करिए, भक्तों को प्रणाम करिए, फिर आसन ग्रहण करिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कैसे भगवान सच्चित आनंद के मूर्ति है, उनको प्रणाम करने मात्र से हम सबका मंगल कर देते हैं और जगत का उत्पत्ति करते हैं। क्या करते हैं, अभी ब्रह्मा जी का श्लोक सुना आप सबने, क्या कह रहे, सभी कारणों के कारण। लेकिन संसार में अनेक अनेक भ्रम फैलाए जाते हैं। यहाँ क्या कह रहे कि जगत की उत्पत्ति, जगत को जिसने उत्पन्न किया है, ये जगत भगवान के कारण है। स्थिति और जो हम लोग ये स्थिति देख रहे, जिस स्थिति में है, पालन भगवान करते हैं, और विनाश अंत में जो प्रलय महाप्रलय होता है वो भगवान ही उसके कारण है। कह रहे विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक
आदि दैविक और आदि भौतिक तीन प्रकार के जो ताप है संसार में, इस माया मटेरियल वर्ल्ड में, उसका भी नाश करने वाले भगवान है। ये तीन ताप के बारे में मालूम है आप सबको? तीन चीज तो आप सबने सुना है, कहते ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या कहते? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की और विष्णु जी ने पालन किया, महेश जी ने सृष्टि किया। ये तो इस मटेरियल वर्ल्ड के लिए है, इस भौतिक संसार के लिए। वास्तविक में जो पूरा लोक परलोक है, ये सब भगवान के कारण ये तीनों स्थिति होती है। तीनों भी उत्पत्ति, स्थिति और विनाश भगवान करते हैं। और जो तीन प्रकार के ताप हैं, कौन कौन से ताप हैं? आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। ये तीन ताप हैं जिसमें हम लोग तपते रहते हैं। किसी को मालूम है? तीन प्रकार से हम लोग तपते रहते हैं, मतलब दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। क्या रहते हैं? हम सब हमेशा विचार और चिंता में रहते हैं। बोले हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। अगर हमने भगवान के चरण में नहीं लगाए सेवा में, जीव संसार में ऐसे ही दुखी है। आदि दैविक वो क्या है? देवताओं के द्वारा दुख मिलता है। अभी अचानक गर्मी हो गई, क्या हो गई? गर्मी हो गई अचानक। अब पंखा लाओ, पंखा लाओ, पंखा लाओ, एसी लगाओ, बहुत गर्मी है। ये दुख अनेक प्रकार के, आंधी तूफान सर्दी, कभी बर्फ गिर जाते हैं, कभी भूकंप आ जाते हैं, कभी लोग उसमें दब के साइक्लोन आ जाते हैं, मर जाते हैं। ये आदि भौतिक ताप है, आदि दैविक ताप है। और आदि भौतिक ताप क्या है? जो हमें हमारे अपने परिजन, पुत्र, रिश्तेदार, समाज, देश दुनिया के लोग देते हैं। हमारे घर के लोग, रिश्तेदार, पुत्र, परिजन, समाज, देश दुनिया में जो हमें दुख प्राप्त होता है, ये है आदि भौतिक ताप। इस तीनों में से एक में कोई ना कोई हम लोग तपते रहते, दुखी रहते, टेंशन रहते। लेकिन जिन्होंने भी सच्चित आनंद का अपने जीवन में उनको धारण कर लिया है, जिन्होंने उनको बार बार नमस्कार करना सीख लिया है, कहते हैं कि भगवान ये तीनों ताप को नाश करने वाले, तो ये तीनों ताप से बचना चाहते हैं, तो बार बार भगवान सच्चिदानंद स्वरूप को नमस्कार करिए, मैं तुरंत प्रसन्न हो जाऊंगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए नवदीप धाम में आज से लगभग 530 साल पहले। उन्होंने खुद सिखाया कि मेरे नाम का कीर्तन करो, जप करो, और इस प्रकार से मैं तुम्हें अपने धाम बुला लूंगा, अपने हृदय में आपको बिठा जगह दे दूंगा। तो इसलिए सबसे सरल तरीका क्या है नमस्कार करने का? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जितना जपेंगे उतना जल्दी पवित्र हो जाएंगे और भगवान आप पे प्रसन्न हो जाएंगे। कभी माया में नहीं गिरेंगे, कभी नहीं, बहुत शक्तिशाली है। भगवान ने अपनी पूरी शक्ति अपने नाम में डाल दी। तो इसका एक तरीका निकाला है संतों ने, महापुरुषों ने, कि पहले श्लोक को और आखिरी श्लोक को कह दिया जाए ठीक ठीक, और बाकी बीच बीच में भागवत जी का जो भक्तिमय प्रसंग है, जो प्रेरणामय प्रसंग है, जो जीव के कल्याण का परम कारण प्रसंग है, वो तो खास खास मुख्य कारणों को कह दिया जाए, और इस प्रकार से जीव को आनंदित करके भगवत सेवा में लगाया जाए। तो पहले श्लोक की मैंने व्याख्या संक्षिप्त में आप सबको बताएं कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत का उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु कारण
तथा अध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। सब कुछ भगवान कर सकते हैं अगर आपको भरोसा हो जाएगा तो। भगवान सब कुछ कर सकते हैं जिस दिन आपको भरोसा हो जाएगा, क्योंकि अनेकों अनेक भरोसेमंद जीवों के लिए भगवान ने ऐसा ही किया है। 12 महाजन उसमें सबसे ऊपर है और अनेक अनेक संत पुरुष महापुरुष है। ध्रुव महाराज 5 साल का बच्चा वृंदावन में चला गया, घोर जंगल है, ध्रुव लीला आज भी है वहां पे। और भगवान का पूरा विश्वास करके जप करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु जी के कहने पे नारद जी ने मंत्र दिया था और भगवान प्रकट हुए विश्वास के कारण। प्रहलाद को विश्वास था कि भगवान कंगन में है। यहाँ पे कहना जरूरी है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान कंकन में नहीं है, सिर्फ मेरे मंदिर में ही है, मेरी संस्था में ही है, मेरे पास ही है, मैं ही दे सकता हूँ। ये घोर पापी लोग हैं। कौन है? धर्म विरुद्ध बात कर रहे हैं, शास्त्र के विरुद्ध बात कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज को नारद जी ने शिक्षा दिया था कंकन में भगवान है, पूरा विश्वास था गुरु के शब्दों पे। जिस दिन शब्दों पे विश्वास होगा, गुरु जी के, महात्मा जी के, साधु संतों के, भक्तों के, उसी दिन जीवन सफल हो जाएगा। और भगवान पे विश्वास कर लिया, भगवत धाम चले जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। तो प्रहलाद को विश्वास था अपने गुरु के वचन पे, कंकन में भगवान है। जब पिताजी ने कहा इस खम्भे में भगवान है, प्रहलाद ने कहा हाँ है भगवान। पिताजी अहंकारी था, राक्षस था। क्या था? अहंकारी था, राक्षस था। कल तो एक ही हिरण्यकश्यपु थे, आज तो ऐसे कहा जाता है कलयुग में अनेक अनेक हिरण्यकश्यपु है, क्योंकि सबको गुस्सा आता है और ज्यादा से ज्यादा जीव परम ज्ञान भागवत गीता नहीं होने के कारण अहंकारी है, ईगो है। तो जैसे ही अहंकार और क्रोध में खंभे में मारा मुक्का गदा, भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान, बोलो नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय। भगवान प्रकट हो गए। कौन प्रकट हो गए? तो भगवान प्रकट हो गए तो थोड़ा हरिनाम करके और प्रसन्न करते, उनको नमस्कार करते। नमस्ते नरसिंह, नमस्ते नरसिंह। तो विश्वास होना जरूरी है कि भगवान कृष्ण जगन्नाथ परम कारण है, सभी कारणों के कारण है। यही एकमात्र सभी कारणों के कारण है, पक्का विश्वास होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। हम तो रोज सब्जी जैसे घर में बदलते ना, सुबह शाम भिंडी खा लिया, अभी गोभी खाई है ना। और अगर भिंडी खा लिया और देवता को करेला दे दिया, देवता उस दिन खाना ही नहीं खाता है, देवता उस दिन नाराज हो जाते घर के, करेला किसके लिए बनाया, कल तो अच्छा खासा भिंडी बनाया था, बुद्धि खराब हो गई क्या। तो करेला बनाने से पहले देवता को पूछ लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके ऊपर गुस्सा कम करेंगे। देवता है ना, मेरा पति मेरा देवता है, गाते कि नहीं है ना, ये गाते संसार में लोग, मेरा पति मेरा देवता है। और ऐसे भी सच है, पति परमेश्वर होते हैं, पति परमेश्वर की तरह उनकी सेवा
और पूजन करना चाहिए। जो स्त्री अपने पति की सेवा करती है परमेश्वर और देवता मान के भगवान के धाम जाती है। भगवान को उसके पति को रक्षा करना पड़ता है, लौटाना पड़ता है। सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से छीन लिए थे, अपने पति की सेवा के बल पे, पति की इतनी सेवा करती थी, अपने पतित्व के बल पे, अपने स्त्री का जो गुण रहता है सतित्व का, उसके बल पे इतना उसमें बल था, प्राण लौटा लिए अपने यमराज के दूतों से। तो देवता जैसे उनकी सेवा करना चाहिए, जैसे भी हैं प्रेम से उनकी सेवा करेंगे तो आपको भी वो प्रेम करेंगे, भागवत ऐसे शिक्षा देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग को जब तक विश्वास नहीं होगा भगवान मिलने वाले नहीं, जीवन में आनंद नहीं होने वाला। गीता में एक श्लोक है, संशय आत्मा विनश्यति, क्या है उसका अनुवाद बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ अर्थ, कहा गया भगवान के द्वारा संशय आत्मा विनश्यति, जो जीव संशय में रहता है उसका विनाश निश्चित है। क्या है विनाश? संसार में लोगों को विश्वास नहीं, भाजी तरकारी की तरह भगवान बदलते, देवता बदलते, मंदिर बदलते, सत्संग बदलते हैं, मंत्र बदलते हैं, उपाय यज्ञ हवन बदलते हैं, इनका विनाश ही होने वाला है। और वो विनाश क्या है? दुख और नरक में जीवन। एक निष्ठ रहिए ध्रुव प्रहलाद की तरह, मीरा नरसिंह भाई की तरह, एक नाथ नाम दो बारह महाजन ध्रुव प्रहलाद विश्वपितामह जनक रुद्र, ये सब एक निष्ठ भक्त है और हम सब जैसे गृहस्थी हैं। ज्यादा से ज्यादा जो महान भक्त हुए ना वो गृहस्थी हुए, क्या हुए गृहस्थी। बारह महाजन में से तीन जन यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड लगे हैं, उसमें भी लिखा है कि चाहे कोई घर में रहता है, चाहे सन्यासी बन के जंगल में रहता है, अगर वो निष्पाप होके निर्मल होके हरि नाम करता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। भगवान किसके लिए आए? आओ राम जी भोग लगाओ, राम जी सरल निष्पाप के लिए आए। ध्रुव प्रहलाद गृहस्थी थे, दोनों राजा थे, राज चलाते थे, जनक परीक्षित युधिष्ठिर जिनके लिए भागवत कही गई, ये सब गृहस्थी थे, भगवान के परम शुद्ध भक्त थे। जो भेद करते हैं, जो अपना महिमा मंडित करते हैं, भागवत जी उनको क्या शिक्षा देते हैं? बहुत दंड भुगतने पड़ेंगे, शायद नरक गामी हो जाए। तो इस प्रकार से कोई भी भक्त अगर विश्वास करेगा वैकुंठ जाएगा, भगवान प्रकट कर लेगा। अगर विश्वास नहीं होगा, बदल बदल के थक जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, उसका नाश ही होने वाला और कुछ नहीं होने वाला। तो भागवत जी शिक्षा दे रहे, भगवान शिक्षा दे रहे, हमारे परम हितैषी भगवान जगन्नाथ राज बिहारी जी शिक्षा दे रहे, लड्डू गोपाल जो प्रेममयी मूर्ति है, भाव वत्सल विग्रह है, वो शिक्षा दे रहे हैं कि भाई मेरे में विश्वास करोगे तो मैं तुम्हारे गोद में भी आऊंगा और आंगन में भी आऊंगा। लेकिन विश्वास ही नहीं, घर में लड्डू गोपाल नहीं है बहुत जन के, है क्या आप लोग के घर में लड्डू गोपाल? भगवान की सेवा है क्या? कितने लोगों के घर में है? सच बोलिएगा, हाथ उठाइए भगवान के सामने, ये देख लीजिए, देख सकते हैं कि 10% लोगों को भगवान में प्रीति है, भगवान से प्रेम है, भगवान में विश्वास है, बाकी सब लगे हैं अपने अपने बुद्धि से, समझदारी से और जैसे शिक्षा लिया उसके हिसाब से। भागवत जी का ज्ञान लीजिए और भगवान की सेवा में आज से लगी, ऐसे में निवेदन करूं पूर्ण विश्वास के साथ, जीवन धन्य होगा। अगर यहाँ दुख में रहेंगे वहाँ वैकुंठ मिलेगा,
दो बातें हैं, दो क्या बातें हैं, दो बातें। एक जीव है जो हार के जीतता है और एक जीव है जो जीत के हारता है। जो संत तुकाराम थे संसार में हार गए थे। संसार में कैसे थे, बिल्कुल फटीचर थे, कुछ भी नहीं था। नरसिंह मेहता कैसे थे, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था, संसार में हारा हुआ जीव था। लेकिन वैकुंठ में जीता हुआ जीव, भगवान आते थे उनके लिए। तुकाराम जी के लिए वैकुंठ से भी माना है। तो दो प्रकार के जीव हैं, संसार में हार जाते भजन करते करते, कुछ नहीं चाहिए भजन चाहिए। तो या तो यहाँ जीत लीजिए या तो वहाँ जीत लीजिए, ये आपकी बुद्धिमानी है। भगवान तो कह रहे मेरे यहाँ आओ, दरवाजा खुला है, जगन्नाथ बुला रहे हैं, अब आप फैसला करिए कहाँ जाना है। यहाँ तो 100 साल उम्र है, वहाँ तो लाखों करोड़ों साल, अरबों खरबों साल उम्र है। 100 साल का आनंद करना है, आनंद तो है ही नहीं इस संसार में, दुखालय है। 100 साल का भोग, 100 साल तो उम्र भी नहीं है। हरि बोल कोई है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं जिंदा इसलिए बोला कि शरीर से यही है ना, मन तो यही है ना, कि वैकुंठ का सपना देख रहे या अपने कर्मों का फल देख रहे, नरक में जाऊंगा, वहां तो नहीं चले गए। इसलिए कहा, एक सच्ची बात कहता हूँ जगन्नाथ जी का, ये इसको आप लोग चमत्कार मत समझिएगा और बड़ा चढ़ा के भी नहीं कह रहा हूँ, सच्ची लीला है भगवान की। एक दंपति है यहाँ पे, हमारे भक्त हैं, सेवक हैं, आज उपस्थित नहीं है, 9 दिन की भागवत कथा में आएंगे, मैं आप सबको उनसे मिलवाऊंगा। वो यहाँ पानी की सेवा करते हैं, अभी कोई ना कोई भक्त सेवा में है। यहाँ सब पढ़े लिखे गृहस्थ लोगों का ये संस्था आश्रम है। कोई रसोई में रसोई बना रहा है भगवान के लिए, आप सबके लिए, कोई झाड़ू मार रहा है, कोई ये साउंड सिस्टम, कोई कीर्तन, कोई उधर, सब सेवा में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सीख लिया बाकी सब माया है, अंधकार है। तो वो यहाँ पे जब भी आए थे आज से लगभग 4-5 साल पहले, बहुत दुखी थे। 15 साल हो गए उनको कोई संतान नहीं था, मैं भी नहीं जानता था उनको। तो आने लगे 2-3-4 बार महीने में आए और कहा, प्रभु जी हमें कोई संतान नहीं है। क्या कहा, प्रभु जी हम लोगों को कोई संतान नहीं है, 15 साल विवाह के हो गए, ऐसी कोई उपाय नहीं है जो हमने अभी तक नहीं की है, ऐसी कोई मंदिर, कोई गुरु, कोई तंत्र मंत्र सब कर लिया प्रभु जी, अब किसी ने क्या भगवान कृपा हुई है, अब हम यहाँ पे आए हैं, कोई उपाय बताइए, कोई तो उपाय होगा, कुछ उपाय होगा। तो मैंने उनको बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से, बड़े शांत होके सुना समझा, बड़े विचारे, और उनकी पत्नी झरझर झरझर बिचारी रो रही थी, माताओं का स्वभाव है बहुत जल्दी रोती है, चाहे भगवान के लिए चाहे संसार के लिए, भाव उनमें बहुत होता है, इसीलिए राधा रानी को महाभाव कहा जाता है, राधा रानी महाभाव है। तो मैंने कहा, प्रभु देखो ना, मैं कोई बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ, ना पंडित हूँ, ना ज्ञानी हूँ, अधम जीव हूँ, क्या हूँ, अधम। मुझे मेरे प्रभुपाद जी ने, गुरु जी ने और भगवान की शिक्षा ने यही सिखाया है कि हरि नाम में वो शक्ति है जो आपको सब कुछ दे सकता है, भगवान के नाम में वो ताकत है जो आपको सब कुछ दुनिया का ला के दे सकता है, जिस दिन आपको भरोसा हो जाएगा, इससे ऊंचा कुछ भी नहीं है। मैं यही आपसे निवेदन करूंगा कि विश्वास के साथ रोज हरि नाम करिए दोनों जन। और उन्होंने कहा ठीक है करूंगा, और उनको भगवान को निवेदन करके जप माला और छोली दे दिया दोनों जन को, और ये कहा कि आप आते रहिए सत्संग में शनिवार शनिवार, जो शाम को 7 बजे शुरू होता है 11 बजे तक चलता है, और रात को सबके लिए फ्री मुफ्त में पेट भर के बढ़िया जगन्नाथ जी का महाप्रसाद रहता है,
तो आप आते रहिए। उन्होंने आना शुरू किया और पिछले साल की कथा में जब हरि नाम महिमा हो रही थी, हरि नाम की महिमा सुन रहे थे, और उस टाइम भी जब लास्ट दिन में मुझे मिले, पति पत्नी बहुत रो रहे थे बेचारे। पति तो अंदर से रोते हैं, बाहर से दिखाते नहीं। पत्नियां माताएं बाहर से रोती हैं, भावुक होते हैं। तो मैंने उनको कहा, भगवान में विश्वास रखो, बहुत जल्दी भगवान आपकी गोद में कोई ना कोई आपके मनोकामना पूर्ण करेंगे, कुछ ना कुछ जरूर आएगा। और अभी इसी महीने के तारीख में भूल गया, उनको एक साथ दो बच्चे हुए। कितने? अरीवो। मैं नहीं बोल सकता शब्दों में अपने जो भाव प्रकट कर रहे थे जगन्नाथ जी के चरणों में। और जब वो आएंगे तो आप उनसे सुन लीजिएगा, मैं उनको माइक दूंगा थोड़ी देर के लिए। तो विश्वास, मैं विश्वास की बात कर रहा हूँ, पानी की सेवा करते हैं। जिनको भी विश्वास हुआ भगवान ने उनको तारा है, चाहे वो सबरी हो, चाहे वो कोई भी अधम से भी अधम जीव हो, भगवान उनके लिए प्रकट हुए, उनको आनंद में रखा ही रखा है। तो इस प्रकार से विश्वास रखिए, बदलिए मत रोज। प्रभुपाद जी भी यही कहते थे, आप जिस धर्म में भी हो, जब पश्चिम देशों में प्रचार करने गए, अमेरिका इत्यादि, इंग्लैंड में, पूरे यूरोप में, पूरे दुनिया में, तो लोगों ने सवाल किए, बुद्धिमान लोगों ने, पहले से भारत से आए हुए हजारों गुरु यहाँ तंत्र मंत्र षड्यंत्र कर रहे हैं, आप क्यों आ गए बुढ़ापे में? प्रभुपाद जी ने कहा, मुझे नहीं मालूम मैं क्यों कितने आए हैं, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मैं हरि नाम करके हंसते रहता हूँ, आनंद में रहता हूँ,